हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कैलाश मोरवाल और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल के टॉपिक है और जिस बुक की समरी मैं आपको इसकी वीडियो में देने वाला हूँ उस बुक का नाम है अवेकन जैन विद इन यू बाय टोनी रॉबिन्स। बहुत कमाल की बुक है दोस्तों, इसे आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही कमाल की बुक है अपने लाइफ के हैबिट चेंज करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसी विषय में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में और मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी लाइफ के हैबिट को चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ में आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन हैबिट्स को कैसे यूज करना है और हैबिट कैसे मैटर करती है। तो दोस्तों जो एक बुक है, इस बुक की जो फर्स्ट हैबिट मैं बताने वाला हूँ प्रिंसिपल, वो है हाउ टू फोकस ऑन, मतलब कि हम किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई लाइफ में डिसीजन लेते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन हम लेते तो है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड ओनली विश। हम सिर्फ उस डिसीजन को लेते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते जो कि एक विश बन के रह जाती है। भले वो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर आप मॉर्निंग में उठने का, जल्दी उठने का अगर डिसीजन लेते हैं लेकिन अगले दिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो वो जैसे एक विश रह जाती है। लेकिन जो सक्सेसफुल लीडर्स और जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं, जो ग्रेट वर्कर होते हैं, वो अपने डिसीजन को लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि व्हाट टू फोकस ऑन, मतलब जो आप डिसीजन जो भी आप ले रहे हो उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो उसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप एक ग्रेट लीडर में आते हो, एक ग्रेट पर्सन में आते हो। तो उससे आप अपनी हैबिट बदल सकते हो। कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ का डिसीजन लेते हो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे पूरा करते हैं तो वो आपका डिसीजन है, अदरवाइज वो आपकी एक विश है जिसे आप पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऑथर का कहना है कि आप जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हो, किसी भी चीज़ को लेके, इवन स्टडीज़ को लेके हो या किसी भी एक हैबिट को लेके हो, अगर उस आपको हैबिट को चेंज करना है तो उसे आप डीपली 100% आप उसे अचीव करने के लिए आपको उस एक्शन को लेना होगा। क्योंकि बिकॉज जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपने लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, तभी वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। दोस्तों अगर मेरा भी एग्जांपल आप ले लें तो मेरा लाइफ में भी ऐसा ही था। मैं जो चीज़ को डिसीजन लेता था उसे मैं अगले दिन पूरा नहीं कर पाता था, बट जब मुझे लगा कि अगर ये मेरी चीज़ सिर्फ एक विश बन के रह जा रही है तो मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं है, तो आप उस डिसीजन को पूरा कीजिए। एनी हाउ, जैसे भी अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसे पूरा करना ही जरूरी है, तो आप एक ग्रेट पर्सन में आते हो, एक जेल जेंटलमैन में आते हो। तो दोस्तों ऑथर का कहना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसे पूरा कीजिए। सेकेंड जो आता है, वॉट थिंग्स मैटर टू यू, मतलब कि हर एक चीज़ आपके लिए क्या मायने रखती है। जैसे कि अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं आपको कुछ प्रिंसिपल कुछ टिप्स बता रही हूँ, तो ये क्या मायने रखती है या क्या आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्या आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और किस हद तक यूज़ करते हैं, कितना आपके लिए मैटर करती है, तो ये मैटर करती है। तो ऑथर कहते हैं कि आपके लिए चीज़ें कितना मायने रखती है और कद किस हद तक मायने रखती है। अगर आपके लिए वीडियो बहुत मायने है तो इस वीडियो को ध्यान से सुन के आप उसके प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एक ग्रेट पर्सन बन सकते हैं। बिकॉज ये जो प्रिंसिपल है वो एक ऑथर द्वारा लिखे हुए, जो खुद एक ग्रेट पर्सन है, और मैं खुद अपने इसे लाइफ में यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली और अपने लाइफ को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो थर्ड प्रिंसिपल आता है वो उसमें ऑथर बताते हैं कि वॉट टू डू, मतलब कि आपको रिसेंटली क्या करना चाहिए। आप जिस पोजीशन पे अभी हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, व्हाटएवर आप जो भी, तो उस लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपको एट प्रेजेंट किस पेज पे फोकस करना है और उस वक्त क्या करना है, ना कि एक बड़े बड़े किसी चीज़ को ख्वाब को लेके बैठना है। आपको पता होना चाहिए कि अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप उससे फोकस करना है ताकि उस काम को और अच्छे से इम्प्रूव कर सको। तो दोस्तों ये है चीज़ें जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को बेटर बना सकते हो। इन तीन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के कि आपको क्या करना है, मतलब किस चीज़ पे फोकस करना है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल किस चीज़ पे आप डिसीजन ले रहे हो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक रियल जेंटलमैन हो। और सेकेंड थिंग, आपके लिए चीज़ें क्या मायने रखती है, व्हाट थिंग्स मैटर टू यू। और सेकेंड थिंग में ऑथर का कहना है कि आपके लिए जो भी है, आपके लिए जो चीज़ें मायने रखती हैं उसको किस हद तक आप वैल्यू देते हैं। और लास्ट का है व्हाट टू डू, मतलब कि आपको अब जिस पोजीशन पे अभी हो उस पोजीशन पे आप किस हद तक काम करते हो, उस पर कितना फोकस करते हो, कि उस काम को किस हद तक करते हो। तो दोस्तों ये जो तीन प्रिंसिपल बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, वैसे है तो बहुत छोटे लेकिन बहुत ही मजबूत स्ट्रांग प्रिंसिपल है जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों यह
जो स्पेशल उन्होंने बताया है वो है अवेकन जेंट विद इन यू बाय टोनी रॉबिन्स। एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस बुक को खरीद सकते हो अमेजोन से। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।